गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज 12A और इसमें क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट हूज लेंथ इज इक्वल टू। तो इसमें से जो है 7 के ए बी सी डी ई पार्ट है, तो हर पार्ट में अलग अलग लेंथ आएगी। तो पहले हम एक पार्ट करते हैं ए वाला, तो पार्ट ए इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं देखो, ए बी प्लस सी डी, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर प्लस सी डी 3.9 सेंटीमीटर, और दोनों को प्लस करने के पर 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन खींचता हूं, तो ये जो है एक 6.4 की लाइन मैंने यहां पर खींच ली है, 6.4 सेंटीमीटर। और इसका मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूं, जैसे पी क्यू आपने लिख दिया, आप ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक लाइन सेगमेंट है आगे दो के सम के बराबर इक्वल। अच्छा, ये बी वाला पार्ट है हमारा, हमने ए वाला पार्ट कर दिया, ये बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में क्या है, देखो ये सी डी माइनस ए बी, ठीक है, तो सी डी माइनस ए बी की वैल्यू निकालते हैं, सी डी कितनी है 3.9 सेंटीमीटर माइनस 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 सेंटीमीटर की हम एक जो है लाइन खींच लेते हैं, बहुत छोटी होती है 1.4 सेंटीमीटर, तो लगभग ये देख लो ये आगे, तो 1.4 सेंटीमीटर हो गया है ये। इसका नाम मैं यहां पर लिख लेता हूं पी क्यू, ये आर एस मैंने लिख लिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये लाइन सेगमेंट आ गई दोनों के डिफरेंस के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है सी पार्ट, सी पार्ट में लिखा हुआ है कि इसमें 2AB, तो 2AB का मतलब 2 मल्टीप्लाई AB की वैल्यू कितनी है 2.5, और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन खींच देता हूं, तो यहां पर ये देखो ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन आ गई, लगभग ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर आपने एग्जैक्टली जो है रूलर से स्केल से मेजर करके लिखना है। तो मैं इसको एम इन एम और एल लिख लेता हूं, तो ये मैंने लाइन सेगमेंट का नाम लिख दिया है। तो इस तरह से ये लाइन सेगमेंट हमने इसके बारे में लिख लिया है। इसका डी पार्ट, ये नेक्स्ट डी पार्ट है, तो डी पार्ट को ऐसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 3AB माइनस CD। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है ये कि आपने क्या करना है, पहले 3 से जो है AB को मल्टीप्लाई करना, तो AB की वैल्यू कितनी है 2.5, और माइनस CD की वैल्यू कितनी है 3.9। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 माइनस 3.9, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये जाएगा 3.6, ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो इस 3.6 सेंटीमीटर की हम एक लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो ये 3.6 की एक लाइन हो गई है 3.6, इसका नाम सी और ये मैंने डी रख लिया है। तो ये जो है लाइन जो है आ चुकी है। नेक्स्ट ई पार्ट, जो है ई पार्ट में क्या करना है, देखो ये है 2CD माइनस AB, तो इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले 2 × CD, CD की वैल्यू कितनी है 3.9, और माइनस AB की वैल्यू है 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 7.8, ये देखो 2 ने इसको मल्टीप्लाई किया 7.8 माइनस 2.5 इज इक्वल टू, माइनस करके कितना आया 5.3, तो ये आ गया 5.3 सेंटीमीटर। तो 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन मैं यहां पर खींच रहा हूं, तो ये देख लीजिए ये करीब करीब 5.3 सेंटीमीटर। इसका नाम आप पी क्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो आप ABCD पी क्यू, तो ये लाइन सेगमेंट सारे के सारे हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने लाइन सेगमेंट बनाए हैं।